ओए डेडपुल यारो, डेडपुल के लिए मैं ले आया। और टिप्सन, तूने मेरे को बुलाया, क्या हुआ? रोपिनो, तेरे को मालूम है वो डेडपुल आया था, उसने बायस्टाउन के सारे मिलिट्री बेस तहस नहस कर दिए हैं और उसने कहा मेरे को ग्रीन ट्रांसफॉर्मर चाहिए। रोपिरो किधर गया? अबे मैं इधर ही हूँ यार, क्या कह रहा है तू? उस रेड डेडपुल ने ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को मांगा है। अबे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं कहाँ से लेके दूंगा ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को? वैसे भी बायस्टाउन में कितने समय से मेरे को ग्रीन ट्रांसफॉर्मर दिखा ही नहीं है टिप्सन। पता नहीं यार, तू कुछ भी करके कर, मैं तो जा रहा हूँ फेस रिवील की वीडियो देखने। अबे इसकी तो ऐसी कम तैसी यारो, तुम लोग तो जानते ही हो। अबे टकले सामने से हट जा, मनुष्य चेहरा मत दिखा अपना, वरना तेरे को कतई टकला फोड़ दूंगा। यारो तुम लोग तो यार जानते ही हो, टिप्सन तो बिल्कुल बावला हो चुका है इस सब के पीछे। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कुछ मत करो, तुम लोग बस फेस रिवील की वीडियो देखो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कतई मस्त वीडियो है। अबे यार तुम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी उस वीडियो से, इसलिए तुम फेस रिवील की वीडियो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे को फटाफट से ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को ढूंढना होगा, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ग्रीन ट्रांसफॉर्मर तो बहुत सालों से मेरे को दिखी ही नहीं है, क्योंकि मैं उसके इलाके में नहीं गया हूँ ना, इसलिए लगता है आज मेरे को ग्रीन ट्रांसफॉर्मर के इलाके में जाना ही पड़ेगा। मेरे को वैसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ग्रीन ट्रांसफॉर्मर हमेशा मेरे को मारती पीटती रहती है, पर कोई बात नहीं, आज मेरे को जाना ही पड़ेगा ग्रीन ट्रांसफॉर्मर के इलाके में, अब जो होगा देखा ही जाएगा। ग्रीन ट्रांसफॉर्मर मैं आ रहा हूँ कतई तेरे पास। पता नहीं ग्रीन ट्रांसफॉर्मर मेरे साथ क्या क्या करेगी, कतई बहुत मारेगी इतना तो पक्का है, क्योंकि वो हमेशा मेरे को मारती पीटती रहती है जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती तब भी। कोई ना यार, हम लोगों को कुछ भी करके ग्रीन ट्रांसफॉर्मर देनी होगी उसे डेडपुल को। पर यार ये अभी तक ग्रीन ट्रांसफॉर्मर मेरे को देखी क्यों नहीं? अबे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर है क्या तू यहाँ पर कहीं पर? ओ यार वो देखो यार, ये रही ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, आखिरकार मेरे को मिल ही गई। ग्रीन ट्रांसफॉर्मर मेरी मदद कर यार। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है ये मेरी मदद करेगी? ग्रीन ट्रांसफॉर्मर मेरी मदद कर यार, तू तो जानती है वो डेडपुल तेरे को मांग रहा है, क्या तू यार उसके पास जा सकती है? वरना वो बायस्टाउन को तहस नहस कर देगा। क्या कह रहा है रोपिरो, मैं तेरी मदद कभी नहीं, निकल जाए डरता है। अबे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कुछ समझ यार, अगर बायस्टाउन ही ना रहेगा तो तू कहाँ से रहेगी? ठीक है रोपिरो, पर मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, तू आयरन मैन के पास जा, उसने मुझे बनाया, वो ही तेरे को कुछ आइडिया दे सकता है। तो समझ गया ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, पर यार मेरे को मार तो मत कम से कम। तू निकल मेरे इलाके से जल्द से जल्द। ठीक है यार जा रहा हूँ, मार का एक लड़ा है फालतू में। यारो ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर तो कतई गुस्से में आ गया, लेकिन यारो इसने मस्त सलाह दी है, ये कह रहा है कि ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को आयरन मैन ने बनाया, तो आयरन मैन ही अब हम लोगों को कुछ बता सकता है कि हम लोग क्या करें। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं अपन लोग आयरन मैन के पास, अब वो ये जो हमारी मदद कर सकता है। तो चलो यार हम लोग चलते हैं फटाफट से आयरन मैन के पास। ओए अबे किधर? अबे यार यहाँ से तो मैं चढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। यारो ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर तो कतई बावला हो चुका है, बेफालतू में मेरे को मारे जा रहा है। मैं जा तो रहा हूँ यार इसके इलाके से, बस इसके इलाके से जल्द से जल्द निकल जाऊँ। हो आखिरकार मैं इसके इलाके से तो निकलाया, अब जो यहाँ से आगे तो बढ़ ना सकता और मैं आयरन मैन के इलाके में आ गया, अब तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही ना सकता। आयरन मैन, ओए आयरन मैन, एक तो यार ये आयरन मैन कतई मेरी आवाज़ सुनते ही ना कतई बहरा हो चुका है टिप्सन की तरह। आयरन मैन देख यार मैं आ गया। आयरन मैन, अबे यार आयरन मैन तो इधर कहीं दिखाई ना दे रहा है, कोई ना थोड़ा और आगे चलता हूँ। ये देखो यार ये आयरन मैन का घर। आयरन मैन सो रहा है क्या? कतई ये बदतमीज इंसान, कतई इतनी देर हो गई अभी तक सो ही रहा है। ये रहा आयरन मैन। आयरन मैन मेरी मदद कर यार, कतई जल्दी से कुछ बता मेरे को, वरना तू तो जानते ही है वो डेडपुल मेरी ऐसी की तैसी कर देगा, पूरा बायस्टाउन तहस नहस कर देगा, कुछ कर। समझ गया यारो, आयरन मैन ने एक मस्त चीज़ बताई है, उसने कहा है कि रोपिरो अगर तेरे को ग्रीन ट्रांसफॉर्मर जैसा एक रोबोटिक ग्रीन ट्रांसफॉर्मर चाहिए, वो भी ग्रीन कलर की, तो सिर्फ एक ही तरीका है, तेरे को ईविल हल्क की सुपर कार लेकर आनी पड़ेगी उसके मिलिट्री बेस से। अगर मैं वो कार लेकर आ गया तो कतई वो डेडपुल मान जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर तो कतई बायस्टाउन की पुंगी बजाएगा ही नहीं। अब यारो हम लोगों को जल्दी से ईविल हल्क की सिटी जाना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को ईविल हल्क की सुपर कार लेकर आनी होगी, वरना तुम लोग तो जानते हो वो कतई डेडपुल पूरे मिलिट्री बेस उसने तहस नहस कर दिए हैं, इससे पहले वो बायस्टाउन की भी ऐसी की तैसी कर दें, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेते हैं।
आ रहा हूँ मैं कतई बिलाल को। अब यार एक तो यहाँ पर इतनी सारी कारें क्या कर रही हैं, हर कोई मेरे को ठोक दे रहा है। जल्दी भाग रोपी रो भाग, कतई तुम लोग तो जानते ही हो। अबे एक मिनट, ये कार को क्या हुआ, धुआं क्यों निकल रहा है? ओ शिट, इसकी स्पीड बढ़ क्यों रही है, मैं तो इसको कुछ कर भी ना रहा हूँ। अब यार ये लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब क्या करूँ। अब यार मैं यहाँ तक कूद जाऊँ क्या, मैं तो कूद भी ना पा रहा हूँ, इसके डोर और सब लॉक हो चुके हैं गाड़ी के। अब रुक जा कार, अब ये तो रुकी ना रही, मेरे को कूदना पड़ेगा। अब निकल जा, ये गेट भी ना खुल रहा है। ओ शिट यार, नहीं पानी में तो नहीं कूदना था यार, शिट मैं तो गया, लेकिन मैं आ गया यार उस घटिया ईविल हल्क की सिटी में, तो मैं आ गया। अब मेरे को जल्दी से यहाँ पर ईविल हल्क का मिलिट्री बेस ढूंढना होगा। तुम लोगों को यहाँ पर ईविल हल्क का मिलिट्री बेस दिख रहा है क्या? मेरे को तो कहीं भी ना दिख रहा ईविल हल्क का मिलिट्री बेस। अब मैं कहाँ पर ढूंढूँ, मेरे को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कार लेकर भागना होगा। ईविल हल्क अगर आ गया तो वो कतई मेरे को कार तो लेके जाने ना देगा, बल्कि पुलिस में और दे देगा, फिर तो मैं जेल में ही सड़ता रहूँगा यहाँ पर। तुम लोग तो जानते हो यहाँ का जो मिलिट्री बेस है और पुलिस वाले हैं बहुत ही खतरनाक है यार, कतई मेरे को छोड़ेंगे ही ना वो जिंदगी में कभी भी। ओए मिलिट्री बेस, यहाँ पर तो मिलिट्री बेस है ही ना, अब क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ओए किधर जा रहा है रोपी रो, रुक जा। मैं नहीं यार, ओए शिट बच गया। ओए रुक जा, पुलिस वाली कार, उतर उतर जल्दी से, उतर यहाँ से, उतर जा यार कतई जल्दी से। अब जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बैठता हूँ और फटाफट से निकल लेता हूँ। तुम लोगों को यहाँ पर कोई दिख रहा है मिलिट्री बेस? यहाँ पर मेरे को तो कहीं पर भी मिलिट्री बेस तो दिखाई भी ना दे रहा, और मेरे सूट की पावर भी जाती जा रही है। अरे रे, शाम होने से पहले पहले मेरे को जल्दी से ईविल हल्क की सुपर कार लेके यहाँ से निकल लेना होगा। पर मेरे को एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ गया यार वो मिलिट्री बेस। मैंने पूरा कतई ये ईविल हल्क का शहर घूम लिया, लेकिन अभी तक मेरे को मिलिट्री बेस ही ना दिखा यार। यहाँ पर लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, तो शायद मेरे को वापस से उड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उड़ के देखूंगा तो कतई ऊंचा देखूंगा तो मैं ज़रूर ढूंढ लूंगा। लेकिन यार अबे रुक जा कार, रुक जा, इसको मैं जल्दी से यहाँ से पार्क कर देता हूँ, यहीं पर रह यार कतई दो मिनट। अबे यार इसने फिर से मेरे को नीचे गिरा दिया। हाँ कोई ना, अब फटाफट से मैं उड़ता हूँ और ढूंढता हूँ कहाँ पर है मिलिट्री बेस। तुम लोगों को यहाँ पर कहीं पर मिलिट्री बेस दिखाई दे रहा है क्या? अरे यार पूरी सिटी घुमाया लेकिन मेरे को मिलिट्री बेस क्यों ना दिख रहा है? यहाँ पर ही मिलिट्री बेस है ना, ईविल हल्क का मिलिट्री बेस कतई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जगह पर है लगता है, तभी तो यार दिखाई नहीं दे रहा है मिलिट्री बेस। अबे मिलिट्री बेस किधर गया तू? ओ यार वो देखो कतई सामने वोरा मिलिट्री बेस आखिरकार मेरे को दिख ही गया। लेकिन यार मैं सूट से ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे सूट की पावर ख़त्म हो गई फिर से। यार वो मेरे को चार्ज करना पड़ेगा सूट, और ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब कोई मेरे को कार मिले, क्योंकि कार मिलती है ना तो मैं उसकी बैटरी है ना कतई अपने सूट के अंदर चार्ज कर लेता हूँ उससे। हाँ आखिरकार कार मिल गई, अब मैं फटाफट से इसमें बैठ जाता हूँ। अबे उतर उतर यार जल्दी उतर। अब मैं इस कार से जाता हूँ उसके मिलिट्री बेस में, आ रहा हूँ कतई ईविल हल्क तेरी पुंगी बजा दूंगा मैं। तुम लोगों को कतई बस यहाँ से सीधा जाना है, चलो यार कतई सीधा सीधा चलते हैं, मिलिट्री बेस अपन लोगों को मिल जाएगा। कतई सामने देखो यार वो रहा मिलिट्री बेस, आ रहा हूँ मैं कतई ईविल हल्क तेरी पुंगी बजा दूंगा। बस मेरे को ईविल हल्क ना मिले, अगर ईविल हल्क मिल गया तो कतई मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। ये देखो यार, ओए रुक जा पानी में नहीं गिरना है यार, बच गया, वरना फिर से ये सूट मेरा गीला हो जाता। आखिरकार मैं आ ही गया इधर। ये देखो यार यही है ईविल हल्क का मिलिट्री बेस, अब जल्दी से चलते हैं आगे। कतई ये देखो यार मिलिट्री बेस तो अपन लोगों को मिल गया। बे सामने से सब लोग हट जाओ, बे शिट यार यारो ये देखो यार ये लगता है ईविल हल्क की सुपर कार। मेरे को अब यार इनमें से बस एक कार चाहिए, मेरे को दोनों नहीं चाहिए यार, सिर्फ एक कार चाहिए घटिया मिलिट्री बेस वालों, कतई मेरे को लेके जाने दो। अब यार ये तो रॉकेट लॉन्चर थे, मेरे को मार मार के मेरी पुंगी बजा देंगे इससे पहले ये मेरा कुछ बिगाड़े। फटाफट से कार को लेके यहाँ से निकल लेना चाहिए, पर कैसे निकलूं, ये लोग तो मेरे को निकलने का मौका ही ना दे रहे। अब फिर से कतई उड़ा दिया आसमान में, रुक जा आराम से। यारो ये सोल्जर मेरे को इतनी आसानी से लेके जाने नहीं देंगे ये सुपर कार। मैं फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ और कतई भाग लेता हूँ। भाग रोपी रो जल्दी से निकल ले इधर से। आखिरकार मैं मिलिट्री बेस के तो बाहर चला गया, अब ये मेरा सोल्जर तो कुछ ना बिगाड़ पाएंगे क्योंकि ये बाहर आ ही नहीं सकते। इनको ऑर्डर मिला हुआ है ना कि ये मिलिट्री बेस के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ये बाहर तो आ ही नहीं सकते। अब मेरे को जल्द से जल्द बायस टाउन निकल लेना चाहिए यहाँ से। वैसे तुम लोग जानते हो बायस टाउन में वो डेड पुल पता नहीं क्या ही कर रहा होगा। मैंने टिप्टन से कह तो दिया है फ़ोन करके कि तू डेड पुल को अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं ग्रीन ट्रांसफार्मर को ले आया, मैंने उस सुपर कार को ना ग्रीन ट्रांसफार्मर में मॉडिफाई करवा लिया। ओ डेड पुल ये देख ग्रीन ट्रांसफार्मर,
ये पकड़ ग्रीन ट्रांसफार्मर और कतई बास टाउन में अब देखिए मत, मैं तो जा रहा हूँ भैया यहाँ से। कतई ये मिशन करते करते मेरी तो जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ बास टाउन कतई छोड़ के। हाँ, तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो कतई लाइक मारो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेस रिवील वीडियो का, तो तुम उसको भी जाकर जरूर देखियो। तो गुड यारों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड यारों, और वीडियो को शेयर भी कर दो यार।